Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 3.2 of unit 3 in your English literature book, that is about the topic beaks and feathers. Students, in the previous classes, we have already studied the first part and the second part of this chapter. Today in this class, we are going to study the third part of this chapter. So students, let's open page number 79 in your English literature book and start read from the top of the page. Hummingbirds have long needle-shaped bills which help them to suck nectar from the tube-like part of flowers. Okay, nectar means a sweet liquid produced by flowers. Okay, you can say it honey also. Hummingbirds ka एक लॉन्ग नीडल शेप्ड बिल्स रहता है जिसके हेल्प से वो ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ फ्लावर से फ्लावर का जो ट्यूब लाइक पार्ट है उससे नेक्टर को सक कर सकते हैं. ओके, हमिंग बर्ड्स का जो बिल्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं. वो क्या करते हैं, जो ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ फ्लावर्स रहता है, फ्लावर्स का जो ट्यूब लाइक पार्ट रहता है उससे नेक्टर को सक कर सकते हैं. वर्क ईटर्स, मड क्रॉबर्स एंड फिश स्कूपर्स हैव बिल्स दैट हेल्प देम फाइंड द काइंड ऑफ फूड दे नीड. वर्क मीन्स एनी स्मॉल इंसेक्ट, मड क्रॉबर्स मीन्स बर्ड्स दैट सर्च इनटू द मड फॉर देयर फूड. ऐसी बर्ड्स जो कि मड के अंदर अपने लिए खाना ढूंढते हैं. फिश स्कूपर्स मीन्स बर्ड्स दैट डाइव डाउन विथ अ क्विक एंड सडन मूवमेंट टू पिक अप अ फिश. ओके, ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि क्विकली एंड सडनली डाइव डाउन करते हैं फिश को पिकअप करने के लिए. ठीक है, सो बग ईटर्स, जो बग ईटर्स है, जो मड क्रॉबर्स है, जो फिश स्कूपर्स है, उसके पास ऐसे बिल्स रहता है जिसके हेल्प से ये सब बर्ड्स या इंसेक्ट्स अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं. ठीक है, अपने लिए खाना को या फूड को कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, बर्ग ईटर्स, मड क्रॉबर्स, फिश स्कूपर्स के पास ऐसे बिल्स रहता है जिसके हेल्प से इन लोग अपने लिए फूड को कलेक्ट कर सकते हैं. सम बर्ड्स हैव स्ट्रेट बिल्स, अदर्स हैव कर्व बिल्स. कुछ बर्ड्स का स्ट्रेट बिल्स रहता है और कुछ बर्ड्स का कर्व्ड बिल्स रहता है. अ कर्व्ड बिल इज कॉल्ड अ बीक. जो कर्व्ड बिल होता है उसको बीक बोला जाता है. ओके, किसी किसी बर्ड्स के पास स्ट्रेट बिल्स होते हैं, किसी किसी बर्ड्स के पास कर्व्ड बिल्स होते हैं. जिस बर्ड्स के पास कर्व्ड बिल होते हैं उसको बीक बोला जाता है. द बिल ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे इज मोस्टली कर्व्ड. ओके, जितने बर्ड्स अपनी फूड के लिए हंटिंग करते हैं ऐसे बर्ड्स का जो बिल होते हैं वो कर्व्ड बिल्स होते हैं मोस्टली. इट इज एडेप्टेड फॉर स्ट्राइकिंग एंड टियरिंग इट्स प्रे. और ऐसे बर्ड्स का बिल्स कर्व्ड होते हैं अपने हंटिंग को, अपने हंट को टियर करने के लिए, स्ट्राइकिंग करने के लिए अपने प्रे को. ठीक है, अ बर्ड्स होल बॉडी इज स्पेशली मेड फॉर फ्लाइट. ओके, एक बर्ड का जो पूरे शरीर है वो फ्लाइट करने के लिए या फ्लाइंग करने के लिए बनाया गया है, मतलब बना है. ठीक है, एंड गॉड बनाया है. ठीक है, सो बर्ड्स का जो होल बॉडी है वो स्पेशली फ्लाइट के लिए सुटेबल है, फ्लाइंग के लिए सुटेबल है. इट्स बोन्स आर पार्टली लो टू सेव वेट. और बर्ड्स के शरीर में जो बोन्स होते हैं वो लो रहता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता है वेट सेव करने के लिए,
ऐसे रहता है। इट्स ब्रेस्ट मसल्स वर्क द विंग्स एंड आर वेरी स्ट्रांग। ओके, सी हियर, वर्क मीन्स मूव और ऑपरेट, मूव्स और ऑपरेट। सो ऐसे बर्ड्स का जो ब्रेस्ट मसल्स होता है वो मूव कर सकता है, ठीक है। इसीलिए बर्ड्स का जो विंग्स है ना वो अच्छे से मूव होता है ना फ्लाइंग के टाइम। सो बर्ड्स के ब्रेस्ट में जो मसल रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग मसल होती है, बहुत ही मूवमेंटफुल मसल होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स अपना विंग्स को मूव करवा सकता है। ओके, एंड बहुत ही स्ट्रांग भी होता है। द टेल हेल्प्स इन स्टीयरिंग। ओके, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मीन्स अंटिल दे आर सॉरी स्टीयरिंग मीन्स कंट्रोलिंग द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन को कंट्रोल करना, सही दिक में जाना, ठीक है। और बर्ड्स का जो टेल होता है वो फ्लाइट के टाइम सही डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रेक एंड हेल्प्स द बर्ड्स टू बैलेंस। और टेल क्या करता है, बर्ड्स को हेल्प करता है फ्लाइंग करने के टाइम एज अ ब्रेक, है ना, ब्रेक का काम करता है ये टेल। और बर्ड्स का जो फ्लाइंग के टाइम बैलेंस होता है ना सही डायरेक्शन में, उसको कंट्रोल करता है। लार्ज बर्ड्स कैन फ्लैप देयर विंग्स स्लोली एंड फ्लोट ऑन एयर करंट्स। फ्लोट मीन्स मूव स्लोली इन द एयर, एयर में धीरे धीरे जाना होता है, ठीक है। सो जो बड़े बड़े बर्ड्स होता है वो अपनी विंग्स को धीरे धीरे फ्लैप कर सकते हैं और धीरे धीरे हवा में मूव कर सकता है ना। अब ऐसे कुछ बर्ड्स को देखोगे कि फ्लाइंग के टाइम अपने टेल एंड विंग्स के बैलेंस से वो धीरे धीरे मूव करता है, ठीक है, विदाउट डूइंग मूवमेंट देयर विंग्स, है ना, दे मूव स्लोली इन द ऑन द एयर। ओके, स्मॉल बर्ड्स हैव टू फ्लैप देयर विंग्स फर्स्ट टू स्टे इन द एयर। स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं उसका जो विंग्स रहता है उसको बहुत ही फर्स्ट फ्लैप करनी होती है एयर में स्टे करने के लिए। सो स्मॉल बर्ड्स जो होते हैं उस बर्ड्स का जो विंग्स होता है उसको बहुत ही फर्स्ट फ्लैप करना होता है एयर में स्टे करने के लिए। ऑल बर्ड्स ले एग्स, सारे बर्ड्स अंडा देते हैं। मोस्ट बर्ड्स आर बिजी पेरेंट्स, आधे से ज्यादा जो बर्ड्स होते हैं वो बिजी पेरेंट्स होते हैं। दे वर्क हार्ड टू रियर देयर यंग, रियर मीन्स टू केयर फॉर द यंग अंटिल दे आर फुली ग्रोन, है ना, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उसका केयर करना जो होता है उसको रियर बोला जाता है, ठीक है। सो जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को ग्रो करवाने के लिए। सम लाइक द कुकू ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स एंड लीव देम देयर फॉर फॉस्टर पेरेंट्स टू हैच एंड रियर। ओके, हैच अच्छा, एट फर्स्ट सी द मीनिंग ऑफ फॉस्टर पेरेंट्स। फॉस्टर पेरेंट्स मीन्स पेरेंट्स केयरिंग फॉर अ यंग वन हु इज नॉट देयर ओन बट हु हैज बीन प्लेस्ड इन देयर होम। ओके, ऐसे पेरेंट्स है
जो कि दूसरे बर्ड्स का जो बच्चे है उसको देखभाल करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। वो खुद का बच्चा नहीं होता है, दूसरे का बच्चे होते हैं, उसको देखभाल करते हैं जो उसके नेस्ट में रहता है। ठीक है, जैसे कि कुकू का जो बेबीज होते हैं वो क्रो के नेस्ट में रहता है, तो क्रो क्या करते हैं, कुकूज का जो बेबी है उसको बड़ा करते हैं, उसको बोला जाता है फॉस्टर पेरेंट्स। ठीक है, सो जो कुकू बर्ड है ना वो बहुत लेजी बर्ड होती है, वो अपने लिए कभी नेस्ट नहीं बनाती है। वो करती क्या है, वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में अंडा रख देती है, अपने अंडा, और जो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब दूसरे बर्ड्स जो होते हैं, जब दूसरे बर्ड के नेस्ट में कुकू का अंडा रहता है, वो क्या करते हैं, दूसरे बर्ड उसका देखभाल करते हैं, है ना, उस एक जब तक ना हैच हो रहा है, उस एक से जब तक ना बेबीज आउटसाइड में आ रहे हैं तब तक देखभाल करते हैं, उसके बाद भी देखभाल करती है। ठीक है, मोस्ट बर्ड्स आर वाइल्ड बट सम सच एज चिकन्स, पिजन्स एंड कनारीज हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। कनारीज मीन्स प्लूरल ऑफ कनारी, अ स्मॉल योलो बर्ड विथ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऑफन केप्ट इन अ केज एज अ पेट। ओके, एक ऐसे बर्ड है, एक स्मॉल येलो कलर का ब्यूटीफुल बर्ड होते हैं, उसका सॉन्ग भी ब्यूटीफुल होता है, उसको एज अ पेट केज में रखा जाता है। ठीक है, सो मोस्ट जो बर्ड्स होते हैं, ज्यादा बर्ड्स वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, जंगल में रहते हैं, बट कुछ कुछ बर्ड्स है जैसे कि चिकन्स, पिजन्स, कनारीज, ऐसे बर्ड्स को एज अ पेट लोग अपने घर में रखते हैं, ये सब बर्ड डोमेस्टिकेटेड है। ठीक है, सम बर्ड्स आर ब्रीड ऑन फार्म्स फॉर देयर एग्स एंड मीट। कुछ बर्ड्स है जिसको फार्म में रखा जाता है उसके एग्स एंड मीट्स के लिए। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट सम फैसिनेटिंग मेंबर्स ऑफ द फेदर्ड फेलोशिप। अभी चलो देखते हैं कुछ फैसिनेटिंग मेंबर्स ऑफ फेदर्ड फेलोशिप को। ईगल्स आर रैप्टर्स बर्ड्स ऑफ प्रे, मोस्ट ईगल्स आर लार्जर देन एनी अदर रैप्टर्स। ओके, सो हियर सी, प्रे मीन्स एनिमल और बर्ड हंटेड फॉर फूड। ऐसे बर्ड्स जो कि अपने फूड के लिए हंटिंग करते हैं उसको रैप्टर्स बोला जाता है, है ना? सो ईगल्स आर रैप्टर्स, ईगल्स जो होते हैं वो रैप्टर्स बर्ड्स होते हैं, मतलब ईगल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए हंटिंग करते हैं। मोस्ट ईगल्स आर लार्जर देन एनी अदर रैप्टर्स। मोस्ट ईगल्स जो होते हैं, है ना, ज्यादा ईगल्स जो होते हैं वो दूसरे रैप्टर से भी बड़ा होता है। लाइक ऑल बर्ड्स ऑफ प्रे दे हैव वेरी लार्ज हुक्ड बीक्स फॉर रिपिंग flesh from their prey. Okay, ripping means tearing suddenly and violently, है ना, बहुत ही suddenly and violently tear करना होता है, उसको तोड़ना होता है बोलते हैं शायद। ठीक है, so like all birds of prey they have very large hooked beaks for ripping flesh from their prey. ईगल के पास दूसरे रैप्टर्स जैसे बहुत बड़ा हुक्ड बीक्स रहता है जिसके हेल्प से वो अपने प्रे का जो फ्लेश है बहुत सडनली एंड वायलेंटली उसको टियर कर सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर लेग्स एंड पावरफुल टैलोंस, है ना। सो ईगल के पास स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर लेग्स रहता है एंड पावरफुल टैलोंस भी रहती है। देयर आईज आर एक्सट्रीमली पावरफुल,
ईगल का जो आईज होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत तेज दिखते हैं। इसलिए ईगल अच्छे से हंट कर पाते हैं, क्योंकि उसका जो आईज होता है वो बहुत तेज होती है। दे एनेबल देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और इस आईज के हेल्प से ईगल बहुत दूर से अपने प्रे को देख पाते हैं, अपने हंटिंग हंट को देख पाते हैं, अपने फूड को देख पाते हैं। ठीक है, ईगल्स आर लार्ज पावरफुल बर्ड्स। ईगल्स बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा होते हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग बर्ड्स होते हैं। व्हाइल सोरिंग हाई इन द एयर दे लुक वेरी स्प्लेंडिड एंड ग्रेसफुल। सोर मीन्स फ्लाई हाई इन द एयर विदाउट यूजिंग द विंग्स, है ना। अपने विंग्स को नहीं यूज करके जब एयर में फ्लाई करते हैं उसको सोर बोला जाता है। ठीक है, जब ईगल एयर में सोर करते हैं, फ्लाई करते हैं, तब उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्प्लेंडिड एंड ग्रेसफुल लगता है। ठीक है, ईगल इज अ कॉमन नेम फॉर मेनी लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे। जितने बर्ड्स अपने फूड के लिए हंटिंग करते हैं, ऐसे सारे बड़े बड़े बर्ड्स में से ईगल का नाम बहुत ही कॉमन है। There are around 60 species of this bird. इस ईगल बर्ड का 60 species है, 60 types है। Most of these are found in Europe, Asia and Africa. And most of the eagles are found, है ना? ज़्यादा ईगल बर्ड्स यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में रहता है। The eagle has always been regarded as the king of birds. और eagle को हमेशा king of birds बोला जाता है। The Roman soldiers used to carry the figure of an eagle on a pole when they marched into battle. जब Roman soldiers battle में जाते थे तब उन लोग ईगल बर्ड का जो फिगर है, जो बॉडी है, उसको कैरी करते थे। ओके, जब रोमन सोल्जर्स बैटलफील्ड में जाते थे तब उन लोग ईगल बर्ड्स का जो फिगर है उसको कैरी करते थे। द ईगल हैज बीन यूज्ड एज अ नेशनल एम्ब्लेम और साइन बाई वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, मीन्स बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में ईगल बर्ड्स को नेशनल एम्ब्लेम या साइन के हिसाब से रखा गया है या माना जाता है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर ईगल बर्ड्स को एज नेशनल एम्ब्लेम या नेशनल साइन यूज किया जाता है। द व्हाइट ईगल नोन एज द हॉक और द फैल्कन वॉज अ फेवरेट ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, द 10th गुरु ऑफ द सिक्स। ओके, जो व्हाइट ईगल है जिसको हॉक बोला जाता है या फैल्कन बोला जाता है, ऐसे ईगल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का फेवरेट है और उन्होंने सिख जो है, सिख रिलीजियन है, उन लोगों का 10th गुरु है। ठीक है, नाउ सी द अनदर बर्ड्स। फ्लेमिंगोस आर ट्रॉपिकल बर्ड्स फाउंड इन ह्यूज फ्लॉक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल मीन्स बिलोंगिंग टू रीजियंस ऑफ द अर्थ विद अ हॉट क्लाइमेट, है ना। अर्थ का ऐसा एक रीजन है जहां पर बहुत ही गर्म वेदर होता है। ठीक है, सो फ्लेमिंगोज जो बर्ड्स है, फ्लेमिंगोज बर्ड्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहता है, है ना, ग्रुप बना के, फ्लॉक्स बना के। फ्लेमिंगोज बर्ड्स जो है वो एक ट्रॉपिकल बर्ड्स है,
जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, स्पेशली ट्रॉपिकल पार्ट्स में, गर्म वेदर जहां पर है उधर फ्लॉक्स में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। दे लिव इन मार्सिस एंड स्वालो लेक्स। ओके, मार्सिस, लो वेट एरियाज ऑफ लैंड। ओके, लो वेट एरियाज ऑफ लैंड। सो ये जो फ्लेमिंगोज बर्ड्स है वो जहां पर लो वेट एरियाज है, लैंड है, उधर रहते हैं और सॉलो लेक्स में रहते हैं। दे हैव लवली पिंक फेदर्स। फ्लेमिंगोज का जो फेदर्स रहता है वो लवली पिंक कलर का होता है। अ फ्लॉक ऑफ दिस स्प्लेंडेड बर्ड्स इज अ वंडरफुल साइट। स्प्लेंडेड मीन्स मैग्निफिशेंट। ओके, वेरी इम्प्रेसिव। सो फ्लेमिंगो बर्ड्स का जो फ्लॉक्स होता है, जो ग्रुप्स होता है, उसको दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। द फ्लेमिंगोज बॉडी इज नॉट मच बिगर देन दैट ऑफ अ गूज, बट इट्स लॉन्ग लेग्स एंड नेक कैन मेक इट अप टू 1.8 मीटर्स टॉल। फ्लेमिंगो बर्ड्स का जो बॉडी है वो गूज से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ओके, फ्लेमिंगो बर्ड्स का जो बॉडी होते हैं वो गूज के बॉडी से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट उसका जो लेग्स रहता है, उसका जो नेक रहता है वो 1.8 मीटर्स लंबा होती है। ठीक है, इट पोक्स इट्स हेड इनटू द वाटर अपसाइड डाउन लुकिंग फॉर श्रिम्प इन द मड। ओके, पोक्स मीन्स पुशेस शार्पली। श्रिम्प मीन्स अ स्मॉल फिश दैट बिकम्स पिंक वेन बॉइल्ड। ऐसे एक छोटा सा फिश होती है जिसको बॉइल करने के बाद पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, सो ये जो फ्लेमिंगो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, अपने जो ये है ना, बीक है, उसको माट के अंदर घुसा देते हैं बहुत ही शार्पली। फ्लेमिंगो बर्ड्स अपने बीक, अपने हेड को भी माट के अंदर घुसा देते हैं अपना प्रे ढूंढने के लिए, है ना, फिश ढूंढने के लिए। इट्स हुक्ड बीक एक्ट्स लाइक अ सीव। ओके, हुक्ड मीन्स कर्व्ड लाइक अ हुक। इसका जो हुक्ड बीक है, कर्व्ड बीक है, वो एज अ सीव जैसे काम करता है। सीव मीन्स अ डिवाइस यूज्ड फॉर सेपरेट